खाचरौद तहसील के ग्राम चापाखेड़ा से डोडिया गांव तक 1 किलोमीटर 350 मीटर सड़क निर्माण का कार्य ठेकेदार भूपेंद्र सोलंकी द्वारा किया गया है। सड़क का काम इतना घटिया किया गया है कि सड़क 2 सालों में 4 बार उखड़ चुकी है और तो और ठेकेदार द्वारा बारिश के मौसम में बरसे पानी की निकासी भी नहीं दी गई है। पिछले 2 सालों से पानी किसान मनोहर दास बैरागी के खेतों में सीधा घुसने लगा है और किसान के खेत में 2 सालों से फसल भी नहीं हुई है। जब हमारे संवाददाता उस गांव में पहुंचे तो किसानों ने अपनी पीड़ा हमारे समक्ष रखी और हमें बताया कि 2 सालों में ये सड़क 4 बार तो उखड़ चुकी है। जब सड़क उखड़ती है तो ठेकेदार द्वारा उसे एक ट्रॉली डालकर कुछ समय के लिए बना दिया जाता है और ना नाली बनाई है और ना ही कोई पुलिया बनाई। जब हमने ठेकेदार से बात करना चाही तो उसने सारा ठीकरा पीडब्ल्यूडी अधिकारी गौतम अहिरवार पर फोड़ दिया। ठेकेदार का कहना था कि मुझे जो आदेश अधिकारी ने दिया है उतना कार्य मैंने किया है। जब हमने उससे पूछा कि आपके अधिकारी ने किसी किसान की खेती को बारिश के पानी से नष्ट करने के लिए कहा है तो फिर चुप्पी साध ली। तो क्या ऐसे ठेकेदारों को अधिकारियों का संरक्षण मिलता है? हर कार्य में भ्रष्टाचार करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। संजय शर्मा, टीवी 100 के लिए। आज हम पहुंचे हैं चापाखेड़ के डोडिया गांव में, जहां पे चापाखेड़ा के एक डोडिया गांव में जहां पे एक ग्रामीण ने अपनी पीड़ा जो हमारे समक्ष रखी अपने चैनल के थ्रू से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये है, क्या नाम है आपका? मनोहर दास। ये मनोहर दास बैरागी नाम है इनका और इन्होंने जो ये यहाँ पर 5 बीघा जो इनका खेत है ये डूबत में जा रहा है। यहाँ से जो पानी, जो बारिश का जो पानी बरसता है वो सीधा इनके खेतों में जाता है। पिछले साल भी इनकी जो खेती नष्ट हो गई थी, पूरी सोयाबीन की फसल इनकी नष्ट हो गई थी। आज 3 साल से कोई खेती नहीं कर पा रहे, जिसका आवेदन इन्होंने जो है पीडब्ल्यू अधिकारी को भी दिया, ऊपर अधिकारियों को भी दिया, पर आज तक इनका कोई निराकरण नहीं निकला है। आज हम इसी को दृष्टि में रखते हुए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और इनकी जो पीड़ा को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। आइए हम जानते हैं क्या क्या है। अभी किसानों की क्या स्थिति है? किसान ने थोड़ा पानी भरा, पूरा खेतों में पानी भरा जाएगा। अच्छा, उसके बाद में रोड ऊपर होकर पानी भर जाएगा। आपका घर कहाँ पे? इसमें पानी भर जाता है? अच्छा, तो कुल मिला के किसानों को यहाँ पे परेशानी है। नाला सही नहीं बनाया उसमें। नाला बना है कि नहीं बना है? बना, पुलिया पर जो पाइप डाले वो कम डाले हैं, इसलिए पानी गहराव कर रहा है। अच्छा, तो क्या चाहते हो आप लोग? पाइप ज्यादा डाल दे और क्या, तो पानी गहराव नहीं होगा। चल रही है पूरी, पानी जो है सड़क के ऊपर से निकलता है, सड़क के ऊपर से। अच्छा, निकलने की जगह नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, कितने बीघा खेत है? मेरा तो है कम से कम 10 बीघा खेत है। 10 बीघा खेत में परेशानी हो रही है? जी हाँ। दादा, आपके, आपका नाम क्या है? मैं राजेश मेहता। राजेश मेहता, मेहता जी आप भी यहीं के किसान हो? कहाँ कहाँ है आपका खेत? सामने कितने बीघा खेत है आपका? यहाँ पे आपने 12-15। तो पानी, ये जो पानी जो बारिश बरसती है उससे कितना नुकसान होता है आपको? सारा नुकसान हो रहा है। पाइप डालने के लिए तैयार नहीं है। क्या बोला ठेकेदार? हाँ डालेंगे, हाँ डालेंगे, अभी तक कोई आया ही नहीं अभी तक। अच्छा, पाइप डालने से क्या फायदा होगा? पाइप डालने से पानी निकल जाएगा दोनों तरफ। पानी नहीं आएगा सर? पानी नहीं आएगा। कहाँ तक डालना है पाइप? वो वहाँ पड़े वो डालना का, वो पाइप डालने पाइप पड़े हुए हैं, ऐसे ही मर गई दो, और मकान में पानी घुस गया, भैंस भी मर गई अपनी दो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश। तो आप दिनेश, हम दोनों भाई हैं। भाई हो दोनों, मतलब आप दोनों सगे भाई हो? हाँ, सगे भाई। आपके खेत भी साथ में होंगे? तो आपके भी वही प्रॉब्लम है कि वही हम दो? अच्छा अच्छा, तो ये थे यहाँ के जो किसान जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से एक समस्या रखी इनकी कि जिस प्रकार से बारिश में पानी में इन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और इनके यहाँ तक कि इनके मवेशी भी मारे गए हैं, पालतू मवेशी भी मारे गए हैं। अगर इनका ये कहना है कि अगर इस नाले को यहाँ से कुछ दूरी पर ही जो एक तलैया है, जो तालाब है उसमें मिला दिया जाए तो इनको काफ़ी, इनकी समस्या का काफ़ी निराकरण निकल सकता है, काफ़ी हल हो सकता है। संजय शर्मा, TV100 के लिए, वह कैमरा पर्सन गौरव कपूर के साथ संजय शर्मा।